अलीगढ़ नगर निगम पर रोजी रोटी छीनने और बेरोजगार करने का आरोप लगाते हुए 90 व्यापारियों ने सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी है और इस संबंध में जिलाधिकारी को रजिस्ट्री कर मृत्यु पूर्व बयान भी भेजा है। इस मुद्दे को लेकर व्यापारी गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने बताया कि उनकी दुकानें करीब 80 साल पुरानी हैं और अब नगर निगम 12 द्वारे पर बनी दुकानों को जबरन तोड़कर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है। नगर निगम के पुरानी कार्यालय में है, पुराना कार्यालय जो है 70 साल पुराना है, वहाँ पर दुकानदार हम 60 साल पुराने हैं। काफ़ी लोग गुरत अवस्था में हो गए हैं, जिनके बच्चे हैं, हम लोग हैं, सारी दुकानों को इन लोगों ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है। बोले आप खाली कर दो, ये तो हम तोड़ देंगे, उसके पैसे भी आपसे लेंगे। तो इस तरह से इन्होंने जो भाषा को उपयोग किया है, जो बड़ा चिंतनीय है। जो इनके किराएदार थे नगर निगम ने दिया था, उनसे इन दुकानों को हटाए जाने की ज़रूरत पड़ रही है विकास कार्यक्रमों के मद्देनज़र, उसको लेकर के कुछ इनका विरोध था। विरोध स्वरूप इन्होंने कुछ बैनर्स लगाए थे वो शांतिपुर